मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 8 साल की ओसीडी बिना दवाई काउंसलिंग से हुई बिल्कुल ठीक। ऑनलाइन काउंसलिंग आज बेहद प्रभावकारी है ओसीडी के इलाज के लिए, डिप्रेशन के इलाज के लिए। एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी आज हमारे साथ है जिन्होंने अपनी 8 साल की ओसीडी से मुक्ति पाई है। जी आपका स्वागत है। जी सर, जी सभी व्यूवर को ये बताइए कि आपको कितने साल से ओसीडी थी। सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी सर मुझे करीब 8 से 9 साल हो गए सर इस परेशानी से सर जूझते जूझते। लेकिन सर वाकई में सर ये परेशानी बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। और सर मैं यही बोलूंगा कि इसमें सबसे मेन बात तो एक है कि लोगों की परेशानी इसलिए ठीक नहीं होती, जो मेरे मन में भी थी, और कि सर ये लोग जो भटकते हैं इधर उधर। जी जी सर, अगर ये ना भटकते और एक जगह अगर स्थिर रहें और एक ही जगह अपना ध्यान लगाएं, एक ही काउंसलर पे, तो सर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, इस बात की सर मेरी गारंटी है। लेकिन सर ये अगर इसमें भटकेंगे तो सर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सबसे ज्यादा सर मुझे ये इससे मतलब एक्सपीरियंस हुआ इन चीजों से। और सर बाकी की सब ये फालतू बातें होती हैं सर, कुछ नहीं है सर, केवल एक झूठी बातें होती हैं, और तो सर कुछ है नहीं इसमें। जी, आपको किस प्रकार की ओसीडी थी, क्या क्या लक्षण थे, ये सर, भी व्यूअर को मुझे बताएं। सर, मुझे सर काफी तरीके की ओसीडी थी सर, जैसे रिलीजियस ओसीडी की सिम्टम्स थे, जी और सर एक मतलब एक ही चीजों को बार बार करना, जी और मतलब सर काफी तरीके की थी, हर चीज में कंपल्शन 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 सर ये मतलब अपना रहता था। जी 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 सर, कुछ कंपल्शन या कुछ आपके विचार जो बार बार आते थे उनके विषय में आप बताना चाहें। सर कुछ कंपल्शन जैसे सर सर पूरे दिन में बहुत सी बातें होती हैं, कपड़े पहने, कपड़े झाड़े तो कपड़े 3 बार ही झड़ेंगे, ये जी किया, जैसे जूते पहने, जूते 3 बार टच करने हैं, हाथ धोने हैं तो 3 बार धोने हैं, और सर जैसे कोई चीज चेहरे पे लग गई तो उसको 3 बार ही हटाना है, इस तरीके से सर 3 बार कंपल्शन सर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे, इस तरीके से सर होता था। जी और रिलीजियस ओसीडी में कैसे कंपल्शन होते थे। रिलीजियस ओसीडी में सर बार बार सर माफी मांगनी पड़ती थी बहुत बुरी तरीके से, जी सर संतुष्टि नहीं मिलती थी। जी क्या विचार आता था कि भगवान क्या कर देंगे। हाँ सर, सर सजा दे देंगे सर भगवान। अच्छा अच्छा हाँ सर, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब वो बहुत लंबा चौड़ा सा एक श्रृंखला बन जाती थी। जी जी सर, जी तो आपकी कितनी काउंसलिंग हुई। सर मेरी तो सर अभी केवल मतलब 5:30 हो चुकी है, 6:30 काउंसलिंग थी आज, और सर अभी तो सर मैं लेकिन टच में रहूंगा काफी आगे तक, क्योंकि सर जो थोड़ी सी भी अभी प्रॉब्लम है सर मुझे बिल्कुल ऐसा होना है ना कि जैसे नॉर्मल लोग जो होते हैं। जी 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 सर, जी मतलब मुझे जो मैं सोचता नहीं था सर वो हो गया, मुझे ये मालूम है जी सर, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे तो सर बहुत ज्यादा रिलीफ है। जी 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 वेरी जी गुड। सर, और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, देखो सबसे पहले लाइफ है, पैसे को अहमियत नहीं दें बिल्कुल भी, अगर लाइफ सही है, माइंड सही है, तो पैसा तो बहुत कमा लोगे। जी और सर अगर माइंड ही आपका सही नहीं है, अगर सर सबसे पहले सर हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने आप को खुश रखने की, जी इसके अलावा सर हमारी जिम्मेदारी किसी को खुश रखने की नहीं बनती है, सबसे पहले अगर आप खुश हो तो सब खुश हैं आपसे, जी और अगर आप ही खुश नहीं हो अपनी लाइफ से तो सर आपसे कोई भी खुश नहीं है। बिल्कुल हाँ सर, तो सर मैं यही कहूंगा सबसे पहले अपने आप को खुश रखें, अपने आप को परेशानी समझें अपनी, और उस हिसाब से अपने आप को अपनी परेशानियों को दूर करें और खुश रहें बस सर, और क्या है, बाकी तो सर आपके पास आ जाएं तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो सर कह दें वही करना है आंख बंद करके। जी, तो आपको जी सर, काउंसलिंग में कौन सी बात अच्छी लगी जिससे आपकी परेशानी दूर हुई। सर काउंसलिंग में यह है सर आपके समझाने का तरीका, जी और एक सर आपका मतलब डील करने का तरीका सर बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अपनापन जो रहता है सर, जैसे भेदभाव ना करना, एक अपनापन है आपके अंदर सर बहुत अच्छा। जी सर बस यही मुझे सबसे अच्छा सर लगता है। जी तो अंत में जी चंद शब्द आप उन लोगों के लिए कहना चाहोगे जो रिलीजियस ओसीडी से, कंटेमिनेशन ओसीडी से या अन्य किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। सर मैं यही कहना चाहूंगा सर कि इस चीज की बिल्कुल एक तो हल्के में नहीं लें, जी और
चीज में लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करें, जी क्योंकि ये एक एक दिन करके आप अपने जिंदगी को एक तरीके से घटा रहे हैं। जी जी सर, मैं जी यही कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी घटा रहे हैं, इस चीज का सबसे पहले फटाफट इलाज करें। जी और सर ये केवल ये नामुमकिन जब तक लगता है जब तक काउंसलिंग्स नहीं होती हैं, जी उसके बाद सब कुछ मुमकिन लगने लग जाता है और जी यही लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की बात होती है। सर जी 2-4, 6 महीने, 1 साल अगर मैं आप ढंग से काउंसलिंग ले लेंगे तो सर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल जी सर, जी, आप हमेशा खुश रहें, अपनी जिंदगी में हमेशा ही एंजॉय करते रहें। साइको गुरु जी सर, टीम हमेशा आपके साथ है जी सर, जी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। आप भी खुश जी हो सकते हैं, आप भी ओसीडी से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है एक कदम, एक फोन कॉल। जी सर,